सो गाइस अभी मैं हूँ अपने घर से 900 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में, और यहाँ के नज़ारे तो भैया अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, क्या ही बात है, क्या ही बात है। हाँ बट ठंडी बड़ी है भाई, नाक बहने वाली है। चलो बंद करता हूँ कैमरा। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। बंदा का नाम है तरुण और आप देख रहे हो तरुण के नाक में जाएगी, पहले संभाल लेते हैं तरुण के ब्लॉग्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं हूँ ऋषिकेश में। सही है, वो तो मैंने इंट्रो में बता दिया। थोड़ी देर मेरे को प्रैक्टिस करना है डांस की, क्योंकि वीडियो बनाने भैया ऋषिकेश आए और वीडियो नहीं बनाया तो क्या ऋषिकेश आए। सही है, और ज़्यादा माइंड मत करना मेरी आवाज़ पे, ठंडी ने दबा दिया है इसको। मेरी तो फट रही है, आज मैं नहाऊंगा कैसे। तो अभी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, दाढ़ी भी बनानी है, सेविंग अंग्रेजी में जो कहते हैं सेविंग भी करना है। तो अभी पहले सारा ये काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और बहुत सारे मुझको पूछते हैं कि भैया इतनी दिसंबर की पड़ती ठंड में तुम हाफ स्लीव टी शर्ट में वीडियो कैसे बना लेते हो, जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं। उन सभी को मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा कि ठंड जो है वो टेम्प्रेरी है, लेकिन स्वेग जो है वो सालों साल बना रहना चाहिए। जैसे अभी ये बहुत पतला है जैकेट से, भैया बाद में बात करता हूँ, अभी ठंडी पड़ी है। ये मान वार नहीं दे मेरे को, सच बता रहा हूँ। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि हम निकल पड़े अपने सफ़र पे, माइक ऊपर चढ़ा लूँ जरा सा। हमको जाना उस मंदिर पे, और उस मंदिर पे जाने का रास्ता है यहाँ से, पूरा भेस में गिर जाता अभी। ये पुल दिख रहा ना यहाँ से, यहाँ पर अभी हुआ तो कुछ वीडियो शूट करूँगा मैं। सही है, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से जाना। आज इस चक्कर में पता है मैं दिन में सोया नहीं, ताकि पूरा ब्लॉग भी शूट हो जाए और मेरे वीडियोस भी हो जाए। तो भैया जो है भाभी को कॉल कर रहे हैं, जगह दिखाएंगे ना, प्यार प्यार यही होता है। सही है, तो जैसे ही वो कॉल करके आते हैं फिर डांस के वीडियो शूट करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय। ये है अभिनव भाई, ये जो है हमारी वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पर। तो हाथ हिला दे, और हम तंदूरी चाय बनाते हैं। हाँ, तो इनका चाय का स्टॉल है, तंदूरी चाय बनाते हैं भाई। पूरे ऋषिकेश में कोई नहीं बनाता, ओनली भाई बनाता है। तो कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ चाय। तो आज, हाँ तो आज भाई के हाथ की चाय जरूर पी के जाएंगे। और थैंक यू सो मच ब्रो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो वीडियोज़ को, अभी बहुत आगे जाएंगे। इसकी क्या ज़रूरत है भाई? अरे बहुत ज़रूरत है इसको। अरे भाई वो मिली नहीं जो मैं ला रहा था, बट ये ले आया फिर मैं। मस्त है, मस्त है, सही है। इसको थैंक यू बोलो मुझे सीधे। ये भाई की तरफ से गिफ्ट है, ये हमेशा याद रहेगा यार, कभी भूलेंगे नहीं इसको। क्या बोलूँ यार, अच्छा लग रहा, पता नहीं बहुत। तो भाई से भी मिल लिया, सच बता रहा हूँ बड़ा अच्छा लगा यार भाई से मिल के, मतलब एक खुशी हुई बहुत ज़्यादा। ऐसे मिलते हैं ना लोग तो अच्छा लगता है बहुत। आप लोग इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद 1 से 1.5 घंटा लगा पता है एक ही वीडियो को शूट करने में, लेकिन फाइनली बन गया। अब इस जगह को छोड़ के हम जा रहे हैं आगे, अगर आगे लोकेशन अच्छा मिला तो वहाँ वीडियो शूट करेंगे। क्राउड बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा भाई घबराएगा नहीं। सही है, हेलो कैमरा। हाँ कब चलेगा? चलो भैया। कितने का है? 10 का। मच्छी का है? मच्छी का है। मच्छी दिखाऊं? हाँ मच्छी दिखा जा, पहले एक बार हंस लेते हैं। रुक जाएगी ये, ले। हम्म,
अब बोल कि तरुण भाई बहुत अच्छा आदमी है भैया मेरे से भी ले लेना। फिर रिश्वत दे के देखो तारीफ करवा रहा हूँ मैं। आराम से खा ले, कोई नहीं छीन रहा तुझसे। मुँह तो दे, अरे कितना ठूसेगा है। अभी बंदर को आटा खिलाते हुए, अभी ज्यादा ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ तू भी आ जा, भग गया भग गया। दूसरा भी आ गया, दूसरा आ गया। ये भरेगा, पास आ, पास आ, पास। ले बंदर रोटी तेरी पूछ मोटी। घर वाले खाने को नहीं देते तेरे को। बंदर को कुछ खिलाते हुए देखना कितना ठूसेगा एक बार। बस बस, और जो सारा ही गले में भर रहा है खाएगा धीरे धीरे। तेरा मुंह की दुकान है ज्यादा। बस आगे भी खिलाना है। बस 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 बस, चलो अब जाओ, टाटा बाय बाय। मम्मी खा लो, पापा को प्रणाम करना। सीन बड़े सही है भाई, बस यार वीडियो बनाने की जगह छोड़ चुका हूं। ये सीन देख सकते हैं आप, जगह होती ना तो मैं सच में वीडियो बनाते आते थे हमारे। यह है ऋषिकेश का मार्केट, और जो भी मेरे को इंस्टा पे फॉलो करता है या फिर मेरे डांसिंग कंटेंट से जुड़ा हुआ है उसको पता होगा कि वीडियो में पब्लिक में शूट करता हूँ, सही है। और मार्केट भी है, पब्लिक भी है, क्राउड भी अच्छा है, प्लेस भी अच्छा है। तो बारिश होने लग गई है यार, तो यहाँ पर एक वीडियो शूट करूँगा मैं डांस की जल्दी से, ताकि पानी जल्दी ना आए, बारिश ना आए, सॉरी। उसके बाद मिलता है। सो वीडियो कब से बना चुके हैं, वीडियो बनाने के बाद खाने बैठ गए थे, खाने बैठने के बाद थोड़ा सा ब्रेक था वो वाला, ठीक है। अभी निकले उस टाइम पर यार वीडियो सही नहीं बना क्योंकि बारिश हो रही थी, और बारिश में आपको पता है वीडियो अच्छे से बनते नहीं है। तो अभी जैसा भी बना है ठीक है, मन हुआ अपलोड कर दूंगा, नहीं बार नहीं करूंगा, सही है। और आई थिंक कि मेरा फेस सही नहीं दिख रहा है क्योंकि कैमरे पे ईसाई हो रखा है। हाँ कहना क्या चाहते हैं, लौट कर वहीं पर आ चुके हैं हम। बस फर्क है कि वो सुबह का टाइम था और अभी ये है रात, और लाइटें बड़ी सही है यहाँ पर। और ये जो है मैंने वहाँ दुकान से ख़रीदा था शर्ट है, शर्ट नहीं कह सकते, हुडी टाइप एक शर्ट है। तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदा था। भाभी कह रही थी तुमको नज़र लग रही है, है? कौन? हाँ क्यों, कैसे? वो कुछ ऐसा काले घोड़े की नाल गले में बांधने कह रही थी बड़ी सी। कौन भाभी? तुम्हारी वाइफ और कौन? गले में जानवरों को बांधते ना, वैसे गले में बांधने के लिए घर के बाहर बांधते हैं लोग। तुम घूमना ना, तुम क्यों करो 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 ना, ज्यादा मत बचाओ, लोग पैसे फेंक के जाएंगे नहीं तो। हेल्थ को लेके पढ़ा कॉन्शियस हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जब इसको देखता हूँ तो फिर रहा नहीं जाता। अमेजिंग, क्या बात, क्या ही बात है, क्या बात। अब खाने तो चैन से कोई नज़र नहीं लगा दूँगी। सो पेस्ट्री खा ली, कॉफ़ी भी पी ली, अभी सैंडविच आना बाकी, तो वो आने में भी टाइम लगेगा। सैंडविच का हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बेसब्री कब आएंगे तो वो आने में टाइम लगेगा। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, तो भाई के जो है घर से फ़ोन आ चुका है, वो ज़रूरी कुछ काम है, तो हमको आज रात को ही निकलना पड़ेगा। मेरा मन बड़ा था कि इस प्लेस को अच्छे से पूरा विजिट करें, आज पहला ही दिन था हमारा, और पहले दिन ही सच बता रहा हूँ इतना मज़ा आया, इतना घूमे हम, बहुत सारा घूमे कुछ, मैं इस चक्कर में दिन में सोया भी नहीं, तो अब वो नसीब नहीं हो पाएगा। कल का दिन हम करके सुबह यहाँ नहीं देख पाएंगे, तो अभी रात को हमको निकलना है यहाँ से, मिस तो बड़ा करेंगे इस जगह को। और जो अधूरे प्लेस रह गए थे, मैंने बोला था कि आज सारे प्लेसेस घूमेंगे तो नहीं घूम पाया, क्योंकि एक दिन में पूरा ऋषिकेश कवर करना पॉसिबल नहीं हो सकता ना भाई। तो अभी रात को निकल रहे हैं, मिस यू बहुत सारा ऋषिकेश, एंड जहाँ जहाँ भी घूमे बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ एक नंबर प्लेस है। आप भी कभी आओ तो आओ, घूमो, मजे करो,
बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो गई अभी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा ना तो सारी जगह विजिट करूँगा, सारे मंदिर जाऊँगा। इस बार के लिए सॉरी, एंड आज इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। ज़रूरी बात ये थी लास्ट वाली जो आपको बता दी, अगली बार हुआ तो आइए, ठीक है? तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, दबा के शेयर करें, लाइक करें और तोड़ दें लाइक के बटन को। अभी ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि हम अच्छे महंगे वाले होटल में बैठे हैं, तो इज्जत का सवाल है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और तुमको पता है क्या करना है, ठीक है? और सपोर्ट करो तुम्हारे भाई का चैनल है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है। तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे नहीं होगा भाई।